हैं और एनडीए के बारे में सोचते हैं तो चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के प्रेसिडेंट्स, तो कम से कम जो लोग यहाँ हम बैठे हैं उस हिसाब से हम वॉलंटरली अपनी ओर से शासन को या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिखेंगे, लेकिन हम अपेक्षा ये करेंगे कि कानून बनाया जाए। जिस प्रकार से कानून बनाकर के कंपलसरी किया गया कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो उसको डिक्लेयर करना होगा कि उसके एसेट्स क्या है, उसी प्रकार से यह भी एक कंपलसरी बात हो जाएगी और उसके आधार पर उसको देना पड़ेगा। अगर किसी के पास है और वो कह सकता है कि मैं सही रूप से कमाया है तो वो उस हिसाब से हो सकता है। इवन इन द लॉ देयर इज प्रोविजन मेड इन द टास्क फोर्स रिपोर्ट कि जो कानून बने उस कानून में कॉन्फिस्केशन नहीं होगा। अगर राइटली अर्न मनी है विच हैज बीन डिपॉजिटेड इन अ फॉरेन बैंक तो देर कैन बी एन अरेंजमेंट वेयर बाय ही कैन गेट इट बैक। ये भी टास्क फोर्स में लिखा हुआ है, उसकी रिकमेंडेशन है। मैं मानता हूं कि अब तक इस प्रश्न की ओर जो संपन्न देश थे उनका तो ध्यान था ही नहीं, लेकिन जब से लेकर के आर्थिक संकट पैदा हुआ जिसमें अमेरिका ने भी अपने को ग्रस्त पाया, यूरोप के भी कुछ देशों ने अपने को ग्रस्त पाया, उसके बाद से लेकर के अमेरिका ने दबाव डाला टैक्स हेवेंस पर, दबाव डाला स्विट्जरलैंड पर, उन्होंने अपने कानून भी बदले, फिर उन्होंने एक कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूनाइटेड नेशन से पास करवाया। और मैं बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को पास करने वाले जितने देश थे 140 थे, उन्होंने हस्ताक्षर तो किया जो प्रतिनिधि वहां पर थे, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि दैट दिस कन्वेंशन हैज टू बी रेटिफाइड बाय द सिग्नेटरी कंट्रीज। लेकिन जिन 14 देशों ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया, दुर्भाग्य से भारत भी उनमें से एक है। मैं आज मांग करता हूं कि बिना विलंब के अविलंब सरकार को उसे रेटिफाई करना चाहिए। कुछ देशों में रेटिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, भारत में रेटिफिकेशन के लिए केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट है उसको करना पड़ता है, वह भी काम नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि बिना विलंब के इसको रेटिफाई किया जाए और रेटिफाई करके फिर कानून बनाया जाए। कानून पार्लियामेंट पास कर सकती है और अगर अभी तो शायद समय नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट अनाउंस हो गई, अन्यथा मैं तो ये कहने वाला था ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हैं तो करना चाहिए। हर हालत में इस सेशन के खत्म होने से पहले पहले विदेशी पूंजी वापस हिंदुस्तान में लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी कानूनी जरूरत हो वो पूरी की जानी चाहिए। बड़े देशों को ही छोड़ करके छोटे छोटे देश भी, पेरू जैसे, फिलीपींस जैसे, नाइजीरिया जैसे, ट्यूनिशिया जैसे, इन लोगों ने पैसा प्राप्त कर लिया है स्विट्जरलैंड से और हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे वैद्यनाथन जी ने सही कहा ना कि जो सेंटर ऑफ फाइनेंशियल ग्रेविटी है दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप टू एशिया, इंडिया कैन सर्टनली एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस टू सी दैट आवर मनी कम्स बैक टू इंडिया। हसन अली का केस तो बहुत साफ है, टेलीविजन पर, रेडियो पर उसके सारे तथ्य जो सामने आए हैं बहुत गंभीर चिंता पैदा करते हैं कि हुम इज ही रिप्रेजेंटिंग। कुछ न करने वाला व्यक्ति, कुछ खास न करने वाला, एक स्टड फार्म चलाने वाला व्यक्ति, उसके पास इतनी पूंजी आ जाए। स्वयं वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि उसके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट था, अचानक गायब हो गया, उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहीं और सरकार ने पहले कहा था तो वो तो एब्सकॉन्डिंग है, गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन एब्सकॉन्डिंग है। एक टेलीविजन चैनल ने दिखाया उसको कि जब एब्सकॉन्डिंग उसको कह रहे हैं वो तो यहाँ पर पुणे में रेसेस देख रहा है। ये सब सामने आया है, ऑल दीज थिंग्स इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि देयरफॉर वी रिगार्ड हसन अली'स केस एज अ केस ऑफ द स्मोकिंग गन which only shows that people in high office are perhaps involved for whom he is acting as the cover.
एज द कंड्यूट। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं, इसका उल्लेख थोड़ा सा हमने अपने स्टेटमेंट में भी किया है, यू विल प्रेजेंटली बिफोर यू लीव यू गेट अ कॉपी ऑफ दिस टास्क फोर्स रिपोर्ट, इट्स समरी विच इज इनकॉर्पोरेटेड एंड द स्टेटमेंट दैट आई हैव मेड, द फ्यू थिंग्स दैट आई हैव सेड इन माय स्टेटमेंट। What will be your strategy in the parliament and do you... So far as parliament is concerned, I'm glad that you asked this question. This morning, the NDA meeting that was held, apart from endorsing this task force report, it decided that our demand for a joint parliamentary committee to go into all the three scams that have been mentioned in parliament in the last session, that stands. That continues. There is no dilution of that demand. Though we on the 8th of this month, the finance minister has convened a meeting on the 8th. So far as the NDA is concerned, that decision was taken in view of that meeting also. Will you continue to stall the parliament like you have done? We will decide about our strategy on the eve of the session, but our demand for a joint parliamentary committee stands and we will reiterate it on the 8th. We will try to understand from the government, because till now the government has not been able to give us a single credible reason why a JPC cannot be created. अडवाणी जी, जब चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिशियन तो वो एफिडेविट देते हैं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, जिसके बारे में आम जनता कुछ भी सोचे, इलेक्शन कमीशन मान के चलता है गॉस्पेल ट्रुथ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि एनडीए के जितने भी पॉलिटिशियन होंगे वो अपना ब्यौरा देंगे कि उनका नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी खाते बाहर में है जिसमें पैसा हो सकता है? कौन जाने, कोई पहले मैं कोई हमारे अपने एमपीज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉडली मैं सोचता हूँ कि हमारे एमपीज में से किसी के पास नहीं होगा, लेकिन अगर वो देगा और उसका मानो है तो उसकी संपत्ति गई, उसका मतलब है कि फॉर प्रैक्टिकली ही एडमिट्स दैट ही हैज अक्वायर्ड इट बाय इलिसिट मींस एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू कॉन्फिस्केट इट। Certainly. आज आपके बगल में नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, जो आपने अनाउंस किया एनडीए की तरफ से सुमान आरा की गडकरी जी की सम्मति, क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष भी या कांग्रेस पार्टी भी इस तरह की घोषणा करें? मैं समझता हूं कि ये जो एनडीए की टास्क फोर्स की रिपोर्ट है और जनता में भी जो वातावरण है, जिसको के हमारे सामने ही जिस प्रकार से वैद्यनाथन ने प्रकट किया, माने किसी को आपत्ति लग सकती है लेकिन वो एक आम धारणा है, इसीलिए मैंने आउटलुक के सर्वे का उल्लेख किया जानबूझ करके, जिसमें कहा ब्यूरोक्रेट्स के तो बहुत कम परसेंटेज थे जो उनको अपराधी समझते थे, लेकिन 50 या 60% कहते थे पॉलिटिशियंस जो है ना वो तो है ही, उनके पास तो उनकी पूंजी तो विदेश में है ही, ये धारणा है, उस धारणा को भी अगर मिटाना है, मैंने इसीलिए अपने स्टेटमेंट लिखा है कि मैं टास्क फोर्स के इस बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि पॉलिटिशियंस को इस मामले में सबसे आगे होना चाहिए, मैं इसको महत्वपूर्ण पार्टी At the moment, we are looking at the central government and we have tried to focus on that. But so far as the party itself is concerned, we would like to see. इसीलिए चीफ मिनिस्टर का नाम लिया अभी तो, नहीं तो हम MLA भी कह सकते थे, सब कुछ कह सकते थे, लेकिन because we are trying to deal effectively with a certain section. अब जैसे मैं MPs के बारे में कह सकता हूँ, सीधा कहूंगा। अडवाणी जी, क्या चाहेंगे कि सोनिया गांधी भी करें, क्योंकि बोफोर्स के छीटे उधर भी पड़े? मैंने इसमें अपने स्टेटमेंट में रिकॉल किया है कि एक बार
स्विट्जरलैंड की जो लीडिंग इलस्ट्रेटेड वीकली है, उस इलस्ट्रेटेड वीकली ने डेवलपिंग कंट्रीज के 40 प्राइम मिनिस्टरों के नाम लिए, जिनमें से एक नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी था, और जो जिसका भी हो सबका सबका ले, और हमने उसमें लिखा है, इसमें को पता लगना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को जो पत्र लिखा था एनडीए ने, उसने कहा था कि अगर कोई देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के ऐसा आरोप लगाता है तो देश की बदनामी होती है, और इसीलिए हमने उनसे मांग की थी आइदर इट शुड बी इफेक्टिवली रिबटेड और देन इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. दीज आर दी दिस इज द फ्रेज दैट द एनडीए यूज्ड in its letter to the Prime Minister, which, as I told you, it is still to be replied. The Chief Minister, jo Badal ji ne kaha hai na, it applies to all our Chief Ministers. स्विट्जरलैंड को भारत के लोगों ने पैसा भारत सरकार की तरफ से आएगी तो आपको आप एमनेस्टी की बात आज कर रहे हैं, हम तो कहते हैं सरकार एक इंच भी तो नहीं हिल रही, कुछ कदम तो उठाए, जो भी कदम उठाएंगे इस दिशा में देश की संपत्ति देश में वापस आए, इसमें हमारी तरफ से कोई कसर नहीं है. बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद.